को धन्यवाद कि हमें एक सुंदर मौका मिला है प्रभु की आराधना करने के लिए। जितने लोग अपने घर में अपने स्थान में बैठे हैं, हम सब मिलकर एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपकी जितना भी आराधना करें प्रभु, वो भी हमारे लिए कम है परमेश्वर। प्रभु इस सुबह के समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वासी, हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर जब आराधना करें खुदा परमेश्वर, वो आराधना हमारे मन के अंदर से आने पाए खुदा परमेश्वर। प्रभु जब हम आराधना करें खुदा प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की तो दुख जो लोग इस वक्त उठा रहे हैं प्रभु, वो सब उनके जीवन से निकलने पाए खुदा परमेश्वर। प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर है खुदा यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रियो, अपने एक हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना करते यीशु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ यीशु, के साथ इस गीत को गाने वाले हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद मेरे प्रियो, दिल से गाइए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, अपने हाथ उठा कर योगे मुझे।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद करना कितना सौभाग्य की बात है परमेश्वर आइए मेरे प्रियो अपने दोनों हाथों को उठाकर उसके नाम को आराधना करें प्रभु की आत्मा मंडला रहे मेरे प्रियो उसकी आत्मा मंडला रहे ओ यीशुआ प्रभु जो हम आराधना करते खुदा प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करिए यीशु कार्य करिए हृदय से गा रहे सेवा सेवा करके मूलता प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरी खुदा उपकार कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद ओ यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद यीशु नाम की आराधना करें मेरे प्रियो प्रभु आप हमारे लिए आए खुदा परमेश्वर राजा प्रभु अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया खुदा यीशु मसीह प्रभु प्रभु हम जानते खुदा प्रभु जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर जब हमारा विश्वास आपके ऊपर पूरी तरह होगा खुदा प्रभु हमारे अंदर जो भी वायरस हो जो भी बीमारी हो सब दूर हो जाता खुदा परमेश्वर राजा कोई भी चीज आपसे बड़ा नहीं है खुदा प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हम सब मिलकर कुछ गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु सच में हमारा महान है उसके जैसा कोई नहीं है आमीन तो हम सब जब इस गीत को गाते हैं अपने हृदय से ताली बजाकर उसके नाम को ऊंचा कर इस गीत के एक एक शब्द को गाकर उसके नाम को ऊंचा करने वाले मेरे प्रभु हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे ताली बजाकर से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम सारे मिलकर आशीष मिलकर आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम मेरे पियो मिलकर हृदय के साथ आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम हाँ प्रभु आशीष तुझसे आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता
बजा कर मेरे प्रियो उसकी आपका मंडला रे मिलकर आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं हम हो शक्तिमान प्रभु जी बोले तुम्हारी शान यीशु जी हम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत करी मेरे प्रियो उसकी आत्मा को मैसेज करके आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हमें आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते ना कोई मिलकर ना कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपने दिल से गाइए मेरे प्रियो ना कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं ना कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते सब लोग अपने स्थान में खड़े होकर उसके नाम को ऊंचा करने वाले हैं प्रभु हमारा भला है प्रभु से सब कुछ संभव है मेरे प्रियो यीशु
इस समय हम उस रूह पाक को बुलाने वाले मेरे प्रिय। अगर आप दिल से प्रभु की आत्मा को पुकारेंगे आपके घर में इसी वक्त आएगा, विश्वास करें मेरे प्रियो। आराधना में वो सामर्थ्य है, आराधना में वो शक्ति है, वो हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं मेरे प्रियो, हर एक बीमारियों को दूर भगा सकता है। कई सारे परिवार इस वक्त रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, इस वायरस से आप बड़े नहीं है खुदा प्रभु परमेश्वर, इस वायरस से ही बढ़कर प्रभु आप है खुदा यीशु मसीह। प्रभु अपने पवित्र लहू से पूरी तरह आप शुद्ध कर दीजिए खुदा यीशु मसीह। जितने लोग हॉस्पिटल में है खुदा प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर राजा, प्रभु आपकी आत्मा परमेश्वर से एक एक रूम में जाने पाए खुदा परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर दर्द से तड़प रहे हैं खुदा परमेश्वर राजा, जो लोग आईसीयू में है खुदा परमेश्वर राजा, जो लोग परमेश्वर कोरोना के वजह से आखिरी सांस प्रभु परमेश्वर गिन रहे खुदा प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु आपसे सब कुछ संभव खुदावन, चंगा कर दे लोग अपने हृदय की गहराई से प्रभु को रूह के बुला रहे हैं, मिलकर बोलिए रूह
विश्वास करें मेरे प्रिय, उसकी आप मंडला रहे, आपके शरीर से हर एक बीमारियां दूर हो रही है, मिलकर बढ़िए अपने हाथ उठा कर बोलिए रुके शोले लपक लपक जब प्रभु हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। अगर इस वक्त परमेश्वर राजा, अगर कोई भी बीमार है प्रभु परमेश्वर, वायरस से परमेश्वर बेड में पड़ा है खुदा प्रभु परमेश्वर, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु, आप उनको चंगा कर खुदा परमेश्वर राजा,
और जो लोग वेंटिलेटर पे हैं खुदा प्रभु परमेश्वर आज उन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो सीरियस कंडीशन में हैं खुदा परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु आप चंगा करने वाले खुदावन यीशु मसीह, अपने पवित्र लहू से प्रभु आप चंगा करते हैं खुदा परमेश्वर आजा, उन सबको प्रभु आप चंगाई दे खुदा परमेश्वर आजा। प्रभु असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु आप है खुदा प्रभु, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता प्रभु वो आपसे हो सकता खुदा परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर राजा, सारी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सब कुछ जय मसीह की। आइए हम सब भजन संहिता 91 निकालेंगे और हो सके तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए जहाँ कहीं भी आप अभी हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा, मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूँगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। आमेन। सबको जय मसीह की। इस फुल लाइफ असम लॉक गॉड चर्च के हिंदी आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस सुबह के समय में मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन हमारे बीच में मौजूद है। हो सकता है कि हम सब भवन में इकट्ठे नहीं हो सके, पर मैं विश्वास करता हूँ जहाँ कहीं भी मौजूद हैं परमेश्वर हमारे करीब है, हमसे बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कुछ सूचना है जो मुझे आपको बताना है। इस हफ्ते जो है हर दिन जो हमारा बोर की प्रार्थना होता है 5:40 को सुबह, वो प्रार्थना लगातार होगा। आप लोग लगातार आइए जूम में। हर दिन जो है हम लिंक भेजते हैं, अगर किसी के पास लिंक नहीं आता तो आप मुझे या पास राकेश को आप कांटेक्ट करें, हमें बताएं ताकि हम आपको लिंक भेजें ताकि आप प्रार्थना में आएँ। परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष करेगा। उसके अलावा उपवास प्रार्थना जो है इस हफ्ते भी हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि हम कलिसा में हम सम्मेलन नहीं कर सकते, इसलिए इस हफ्ते भी नहीं होगा। ग्रुप की प्रार्थना जो कि 4 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना लगातार हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग उन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं ज़रूर। ये समय है कि हम प्रार्थना करें, और इस समय में हम सबके लिए प्रार्थनाओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, परमेश्वर ज़रूर हमें आशीष करेगा। आमीन। आइए, समय में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस सुबह के समय में हम सबसे बात करें। हमारे बीच में पास्टर एलाइजा हैं जो कि नोएडा में सेवकाई करते हैं। परमेश्वर बहुत ही सामर्थ तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने परमेश्वर के वचन से हमसे बात किया और वो वचन जो है हम सबके लिए आशीष का कारण बना। आमीन। आइए हम सब मिलके उनका स्वागत करें ताकि परमेश्वर हम सबसे मिलके बात करें। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु कितना भला है कि परमेश्वर ने एक और दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। हाँ, फिर से परिस्थितियाँ कुछ विपरीत चल रहा है। हम सोच रहे थे कि चीज़ें पलटने वाली हैं, बदलने वाली है, फिर से जो है हम मिलकर आराधना करेंगे, मगर अचानक से इस महामारी और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कलीसियाएँ हम शारीरिक रीति से मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, मगर मैं आप सबसे प्रोत्साहित करूंगा, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार प्रार्थना करते रहें।
हमारे जीवन में जो कुछ होता है या कोई भी कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, इत्तेफाक से या संजोग से नहीं होता है, परमेश्वर के योजना से होता है। इसीलिए हम और आप प्रभु पर विश्वास रखते हुए, परमेश्वर पर अपने ईमान लाते हुए हम लगातार प्रार्थना करते रहें। खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास्टर पर सोलोमन किंग्स के लिए, उनके परिवार के लिए, खासकर उनकी मम्मी जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की अनुग्रह हो, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ इस परिवार में हो, प्रभु ने अपने अनुग्रह में छुपाकर अपने सुरक्षा वाली हाथों में संभाले रखने पाए और जल्द से जल्द हमें मौका दें कि फिर से मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। आए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को नम्र करते हुए आपके उपस्थिति में आते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर आते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व महामारी के लिए जो चारों तरफ से प्रभु फिर से ये कौफ को फैला रखा है। लोग प्रभु निराशा में हैं, लोग प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु असमंजस में हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा उन हर एक के जीवन में प्रभु आपके वचन की ज्योति चमकने पाए, उनकी प्रभु परमेश्वर विश्वास फिर से जागृत होने पाए, उनकी भरोसा प्रभु फिर से जागृत होने पाए। इस परिस्थिति में भी प्रभु लगातार आप पे भरोसा करना, आप पे विश्वास करना ना छोड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान सोलोमन किंग्स के लिए, उनके परिवार के लिए, अपने लहू में छुपा लीजिए खुदावन, वे सुरक्षित और आशीषित रहने पाए। और प्रार्थना करते हैं उनकी मम्मी जी के लिए, प्रभु आप प्रभु परमेश्वर अपने चंगाई की और चमत्कार की हाथ को बढ़ाइए, उन्हें छूइए, संपूर्ण रीति से प्रभु स्वतंत्र और चंगा करके हमारे बीच में ले आइए, जिससे कि आप ही के नाम की महिमा हो सके। प्रभु आज के इस वचन को प्रभु आप अभिषेक करें, प्रभु हमें अपने अभिषेक में छुपा लें, ताकि हमारी आवाज़ नहीं मगर प्रभु आपकी आवाज़ लोग सुनने पाए। जहाँ कहीं से भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आज समय निकाले, हमें सब प्रभु तृप्त होकर आशीषित होकर आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। आपके हाथों में देते हैं राजा, अंत तक आप चलाइए। यीशु के नाम में मांगते पिता, आमेन। प्रभु की महिमा हो। पिछले हफ्ते हमने मिलकर प्रभु की आराधना की और प्रभु के वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में साहस के साथ, हिम्मत के साथ आ सकते हैं, ये जानते हुए कि जो कोई इनके उपस्थिति में आता है उनके लिए जरूर सहयोग मिलता है, सहायता मिलता है। और उसी परमेश्वर की एक और अद्भुत बातों को जो है हम इन दिनों में, आज के दिन में अध्ययन करने वाले हैं। इस ऐसे विपरीत परिस्थिति में मैं यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपको इसीलिए स्मरण दिलाना चाहता हूं, ताकि हम और आप लगातार हमारे विश्वास में बढ़ते रहने पाए, लगातार हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखने पाए। हां, संसार अपना प्रयास कर रहा है, राजनीतिक के लोग प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर इन सब प्रयासों से उत्तम और बढ़कर एक ही बात हमारे लिए है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। और सदियों से लेकर, इतिहास में से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं परमेश्वर लगातार कार्य कर रहा है। उन्हीं चीजों को आपको याद दिलाते हुए फिर से मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को ले आया हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन आपके जीवन में एक नया जीवन को ले आएगा, एक बड़े सामर्थ्य को ले आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई समय हम ऐसे सवाल करने लग जाते हैं अनजाने में, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दुख उठाना पड़ रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियजनों, हमारे जीवन में कई बातें हमें ऐसे लगता है कि इत्तेफाक से हो गया है, कई बातें ऐसे लगता है कि जो है कि सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है, कई बात ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारे ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसे मुझे दुख क्यों उठाना पड़ रहा है, इन चीजों को मुझे झेलना क्यों पड़ रहा है। मैं आपको जो है इतिहास में से एक हकीकत की घटना याद दिलाकर, खासकर ऐसे विश्व महामारी के बीच में ये घटनाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना और याद करना, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आज उन्हीं बातों को याद दिलाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इसराइली लोगों का दुख उठाने का वजह क्या था।
हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है बड़ी योजना से इसराइलियों को अपने देश में से कानान प्रदेश से लेकर उन्हें मिस्र देश में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अकाल आ चुका है, सारे देश पर अकाल आ चुका है, खाने के लिए कुछ है नहीं, फसल कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे पहले ही यूसुफ को मिस्र देश में ले गए और वहां पर परमेश्वर ने यूसुफ के रीति से इस्तेमाल किया कि आने वाले अकाल में जो है क्या प्रबंध किया जाए, कैसे किया जाए करके उन्हें ज्ञान और बुद्धि दिया और उसके अनुसार प्रभु उनको इस्तेमाल किए। और इस वजह से हम देखने पाते हैं यूसुफ के समय पर इसराइली वहां पर जाते हैं, मिस्र देश में जाते हैं। किस लिए? ताकि अकाल में से, उस भुखमरी से, वहां की उस परिस्थिति से अपने आप को बचाने पाए। ऐसे परिस्थिति में ही मिस्र देश में पहुंचते हैं। बहुत ही एक दिलचस्प वचन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय, निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय उसके 6 और 7 पद मैं पढ़ता हूं। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इसराइल की संतान फूलने फैलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उसी से भर गया। यहां पर वचन कहता है परमेश्वर ने इसराइलियों को आशीष दिया और वे वहां पर फूलने और फलने लग गए और बढ़ने लग गए, उन्नति में होने लग गए, विकास होने लग गए और गिनतियों में भी बढ़ने लग गए हैं, बहुत हो चुके हैं करके वचन में लिखा गया है। अगर इससे पहले की आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, इसी अध्याय में लिखा गया है कुल मिलकर जब यूसुफ के समय पर जब इसराइली यानी याकूब के वंश जो वहां पर आए थे वो तकरीबन 70 लोग थे और वहां पर आके परमेश्वर ने उन्हें जो है शरण पाने के लिए मदद की और वहां पर वो फूलने लगे, फैलने लगे। उसके बाद हम देखने पाते हैं आगे के वचन में लिखा गया है कि ऐसा एक फिरौन आया जो इसराइलियों के बारे में नहीं जानता, इन लोगों के बारे में समझ नहीं था उसको, मगर उसने क्या देखा कि ये लोग इतने फैल गए, इतने बढ़ गए हैं, इतनी संख्या में भी बढ़ गए हैं, हर तरफ में कुशल हैं, तो उसके अंदर एक जो है एक प्रकार की असुरक्षितता महसूस होने लगा कि ये अनजान लोग जो इस देश का नहीं है, इस जगह के नहीं है, अगर ये लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में इनकी संख्या इतना बढ़ जाएगा, हो सकता है हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएं और हम पर ही प्रभुता करने लग जाएं। तो इस वजह से हम देखने पाते हैं आगे वो इनकी स्वयं बढ़ोतरी को रोकने के लिए किसी तरीके से इनकी जो है ताकत को कमजोर करने के लिए उन्हें जो है ज्यादा काम देने लगा, बहुत सताने लगा करके वचन में हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे अध्याय में कि वचन लिखा गया 24 से लेकर 25वें पद तक परमेश्वर ने इनके कराने को सुना, यानी इतना दुख उठाने लग गए हैं कि वो अपने दर्द में, तकलीफ में, अपने आप में रोने लग गए, अपने आप में जो है वो दर्द के मारे जो है उनके अंदर में से वो कराने निकलने लगा, पुकार निकलने लगा, वो चिल्लाहट निकलने लगा जो दर्द के मारे थी, जो परेशानी के वजह से। आप और हम आसानी से सवाल कर सकते हैं परमेश्वर ने तो ही उनको वहां तक ले आया है, तो यहां पर इनको अब दुख क्यों उठाना पड़ रहा है। ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं प्रियजनों, ऐसे परिस्थिति में आज हम हैं, कईयों के जीवन में यही एक सवाल है, यही एक सवाल आ रहे के अंदर, ऐसा दुख क्यों अब हमें उठाना पड़ रहा है, सब बातें अच्छे तो चल रही थी, सब बातें ठीक ही तो था, तो क्यों हम दुख उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं प्रियजनों, कई बार कई चीजों का जो है सवाल हमारे जीवन में ही है, हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, हमें थोड़ा जो है गौर करनी पड़ती है हमारे अतीत में, हमारे बोध काल में। और इसीलिए मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मिस्र देश में इसराइली लोग क्यों दुख उठाए हैं, उसकी वजह क्या था। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, इस देश में ले आया और वहां पर वो कुशल और फलने लग गए, फूलने और फलने लग गए, कुशल होने लग गए, बढ़ने लगे करके वचन कहता है।
परमेश्वर इतना सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि इन पर इतना दया किया कि अकाल में मिट ना जाएं, भुखमरी में मिट ना जाएं, तो इसीलिए इन लोगों को वहां से बचाकर इस देश में ले आया थोड़ा शरण पाने के लिए, और वहां पर परमेश्वर ने आशीष दी। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं, हमारे ऐसे ऐसे जगह पर, ऐसे ऐसे स्थान पर जो हमारे लिए अनजान स्थान है, जो हमारे लिए जो है एक दूसरे देश है, वहां पर हमें परमेश्वर आशीष देते हैं, संभालते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर भी ये दुख क्यों उठाना पड़ा। मैं पहले चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रियजनों, हम भूल जाते हैं कि हम और आप, हमारा ध्यान आशीषों पर रह जाता है, आशीष देने वाले से। अगर इस वचनों को, इन पहले दो अध्याय को अगर आप पढ़ के देखें, कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि इसराइली लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर को स्मरण करते थे और एक दूसरे से जो परमेश्वर के बारे में बात करते थे। हो सकता है शायद इसलिए लिखा नहीं गया है कि शायद उन बातों के बारे में महत्वता ना हो, मगर कुछ भी हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसराइली लोग परमेश्वर की दी गई आशीषों में संतुष्ट होकर उसी में लुप्त हो चुके थे, उसी की आनंद उठाते जा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको ले आया, अनजान स्थान में रखा, सुरक्षित रखा, मगर वे क्या करने लग गए हैं, परमेश्वर के दी हुई आशीषों में संतुष्ट होकर उसी में तृप्त होकर वहीं पर उसी में रहने लग गए, सहने लग गए और रहने लग गए हैं। सेटल्ड इन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीषों में स्थिर हो चुकी। परमेश्वर ने आशीष दी, किसलिए आशीष दिया, कि वे उनके संतान हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह इतना रहा कि अनजान देश में जो उनके स्थान नहीं है वहां पर वो बढ़ रहे हैं, फलने फूलने लग गए हैं, संख्या में भी हर तरफ में वो बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, इसराइली लोग उसी में संतुष्ट हो गए, दे हैव बीन सेटल्ड इन द ब्लेसिंग्स, अपने दी गई उस आशीषों में स्थिर होने लग गए हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, जब हमारे पास नौकरी नहीं थी, जब हमारे पास जो है आमदनी की कोई साधन नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, जब हमारे जीवन में तकलीफें थी, परेशानियां थी, परमेश्वर से हमने जो है पुकार लगाई, परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से हमें आशीष दिया, और चलते चलते हम क्या हो गए, उसी आशीषों में रहने लग गए, परमेश्वर को भूल गए। काफी लोगों को मैंने देखा है इस जो है सेविकाई में, आते हैं कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, नौकरी नहीं है अच्छे से, प्रार्थना करिए, हमारे कई जो है कोई आमदनी की स्रोत नहीं है, बहुत दुख झेल रहे हैं हम, बहुत कर्ज है, बहुत ऐसे परेशानी है, तो प्रार्थना करते हैं लगातार। उस वक्त अगर आप देखेंगे लोग उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर सभा में आने लग जाते हैं, हर प्रार्थना सभा में वो होते हैं और लगातार सब बातों में आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, उनके लिए दया करते हैं, उनके लिए चमत्कार करते हैं, चलते चलते क्या हो जाता, परमेश्वर जब उनको नौकरी दी, आशीष दी, चलते चलते अभी परमेश्वर के लिए समय नहीं रहा, कहते पास्टर हमारे लिए छुट्टी नहीं मिल रहा है, पास्टर हम क्या करें, प्रभु का वचन कहता ना है हमारे मालिकों के लिए वफादार रहें, हम और आप मालिकों के लिए वफादार रहना जानते हैं, हम और आप सरकार के लिए वफादार रहना जानते हैं, मगर हम और आप प्रभु के लिए वफादार रहना भूल जाते हैं। यही बात इन्होंने किया, परमेश्वर की आशीषों में स्थिर हो गए, परमेश्वर को भूल गए। आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे मालूम है वे परमेश्वर को भूल गए हैं, आप पूछ सकते हैं आप कैसे ये इल्जाम लगा सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, क्योंकि इन अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप गौर दें इन वचनों में, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं उत्पत्ति जो निर्गमन की पुस्तक उसकी दूसरे अध्याय 24 और 25वें पद में आपके लिए पढ़ता हूं, निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय 24 और 25वें पद कहता है, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया। वचन कहता है
परमेश्वर ने उनके कराने को सुनकर परमेश्वर ने की वाचा को जो उनके पूर्व पिता है किससे किया, अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से, जिन्होंने वाचा किया था उन वाचा को परमेश्वर ने स्मरण किया। अगर आप ध्यान से इस पहले दो अध्याय को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक एक अध्याय दो अध्याय का ध्यान से पढ़ेंगे, वे मिस्र में आ गए और मिस्र में आकर जो है परमेश्वर की आशीषों को पाया और उसी में वो संतुष्ट हो गए। मगर कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया कि वे परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के लिए बलि दिया करते थे, परमेश्वर को स्मरण करते थे करके नहीं लिखा गया। मगर ये लिखा गया है यहाँ पर परमेश्वर ने स्मरण की। शायद इन लोगों ने जो है कि अपने आशीषों में इतने तृप्त हो चुके हैं, आशीषों में इतने लुप्त हो चुके हैं कि वे परमेश्वर के बारे में सोचना वो भूल चुके हैं। इस वजह से ही मूसा को जो परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ने कहा मैं उन लोगों को क्या के क्या बताऊं, आप कौन हैं, किसने मुझे भेजा है, मुझे क्या जो है कैसे मैं उनको बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में परमेश्वर के बारे में अगर स्मरण किए होते, बातचीत किए होते, अगर उसके बारे में जो है एक दूसरे से बात किए होते, शायद उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता कि जब मूसा के कहेगा कि यहोवा ने मुझे भेजा है। क्यों? वो जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ऐसे कार्य किए हैं, याकूब के जीवन में भी ऐसे कार्य किए हैं, तो जरूर वो जानते हैं कि परमेश्वर ने जरूर मूसा को भेजा होगा। मगर इन लोगों ने परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से जो परमेश्वर की बातों को भूल चुके हैं, परमेश्वर को स्मरण नहीं की, मगर परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया। कई बार ऐसे होता है मेरे प्रियजनों, बड़े दुख की बात होती है, मैं किसी को जो है दोषी नहीं कह रहा हूँ, दोष नहीं ठहरा रहा हूँ, मगर सच्चाई यही है कि हम और आप जरूरत में जब रहते हैं तो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की ओर दुहाई लगाते हैं, हर सभा में रहते हैं, मगर जब परमेश्वर आशीष देता है, हमारे नौकरी देता है, हम मालिकों के लिए वफादार रहते हैं, परमेश्वर के लिए वफादार रहना भूल जाते हैं। कई लोगों ने मुझसे ऐसे ही कहा, पास्टर वचन तो कहता है ना कि हम अपने मालिकों के लिए वफादार रहना है। इन दिनों में लोग कहते हैं पास्टर वचन तो सिखाता है हमें जो है जिस देश में रहते हैं उस देश की जो है अधिकारियों को मानना है, उनके अधिक जो है आज्ञाकारी रहना है, उनकी जो है नियमों को पालन करना है करके, ये सब याद दिलाकर लोग चर्च आना जो है बंद कर देते हैं। धारा 144 लगी है, ये तो कानून है, इस कानून का थोड़ना सही नहीं है। अगर भूल जाते मेरे प्रियजनों, हमारे यहोवा हमारे संसार की व्यवस्थाएं, अधिकार, हमारे मालिक और स्वामी से भी बढ़कर हमारे परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है। शायद मैं आशीषित रहूं या ना रहूं, फिर भी मुझे मेरे बनाने वाले मेरे यहोवा को जो है मुझे स्मरण करना है, उनकी आराधना करना, उनकी आदर करना पहला कर्तव्य है। सोच के देखिए, अगर हमारी जो है पूर्ण जो प्राचीन कलीसिया, हमारी शुरुआती कलीसिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग और कलीसिया के लोग ये कहते हुए कि हमें अधिकार का जो है राजाओं का अधिकारों का व्यवस्था का पालन करना है करके सोचकर सुसमाचार के कार्य को रोक दिए होते, क्या इतनी बड़ी सेविकाई बड़ा होगा? उन दिनों में भी सरकार सेविकाई के विरोध थे, कलीसिया के विरोध थे, कई कानूने लगाए। महासभा ने पत्रस को बुलाकर, यहोन्ना को बुलाकर डांट कर कहा तुम्हें सुसमाचार के कार्य को नहीं करना है। अगर इन दिनों के सेवकों के समान अगर मेरे जैसे पत्रस यहोन्ना होते हैं, वो आके कहते हैं नहीं नहीं सरकार ने हमसे कहा है कि हमें प्रचार नहीं करनी चाहिए, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए, रुक गए होंगे। मगर उन्होंने ऐसे नहीं की, वे लगातार प्रचार करते रहे, लगातार सेविकाएं करते रहे, लगातार सुसमाचार के कार्य करते रहे, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया, तुच्छ जाना उन्होंने। आज हम दुख क्यों उठा रहे हैं? जरा अपने आप को जो है जांच कर देखिए, क्या हम परमेश्वर की दी गई आशीषों में इतनी लुप्त हो चुके हैं कि हम अपने परमेश्वर को ही भूल गए, या जो है संसार की कई बातों में वफादारी निभाते हुए परमेश्वर की वफादारी को क्या हम भूल गए हैं? दूसरी बात यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे इन वचनों में जो है वो तो क्यों उन्होंने दुख उठाया, क्या वजह था उनका दुख उठाने की?
उन्होंने अपने अस्तित्व भूल चुके थे, उनकी वास्तविकता वो भूल चुके थे। अगर आपको, अगर मुझे याद है, परमेश्वर ने क्यों यहां ले आया मिस्र देश में, हम और आप अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को इसलिए मिस्र में ले आया क्योंकि सारे देश भर में वहां पर अकाल था, कंगाली थी, पूरी तरीके से जो है सूख गया था जमीन, ना बरसात हो रहा है, ना कोई फसल है, लोग जो है भूख के मारे मरे जा रहे थे, कोई खाने के लिए वस्तु नहीं था। तो इस वजह से जो है परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या किया, मिस्र देश में ले आया। मगर मैं जानता हूं सब वचन में बहुत ही माहिर हैं, तो आप बताइए ये अकाल कितने दिनों तक था, कितने साल के लिए था। हाँ, हम और आप अच्छे से जानते हैं परमेश्वर ने जो दर्शन यूसुफ को दिया था, यानी फरौन की दी हुई सपने के अनुसार, 7 साल अच्छा फसल होगा, 7 साल भूकंप होगी, चारों तरफ जो है अकाल पड़ेगा। तो इसके मतलब सिर्फ 7 साल की अकाल थी, 7 साल उन्हें दुख उठाना था, और उस 7 साल के लिए ही परमेश्वर उन्हें यहां ले आए। अब वो यहां पर मिली हुई आशीषों में, यहां पर मिली हुई परमेश्वर की उस जो है प्रबंध में इतना संतुष्ट हो गए, अपने अस्तित्व को, अपने वास्तविकता को भूल गए हैं कि भूल गए कि वो यहां के नहीं हैं। उनके लिए, उनके पूर्व पिता के लिए परमेश्वर ने वायदे के मुताबिक एक स्थान दिया हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जमीन देने वाला हूं, मैं जिस देश में दिखाता हूं उस देश के लिए निकल जा। तो अब्राहम बहुत ही विश्वास में आज्ञाकारी होकर उन्होंने सब चीज छोड़ छाड़ कर निकल पड़े, और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से अब्राहम को स्थान में ले आया, वहां पर उन्हें आशीष दी, उसके बाद इसाक, इसाक के बाद याकूब वहां पर आए। अब ये इसराइली लोग जब यहां पर आपके परमेश्वर के प्रबंध को आनंद उठाने लग गए, वे भूल गए कि वे कहां के हैं। इस वजह से जब मूसा उनको जो इस देश में से बाहर ले जा रहे थे, मिस्र में से ले जा रहे थे, वो बार बार मिस्र को ही बता रहे थे, अच्छा होता, भला होता हम मिस्र में ही रहते, हमारे लिए ये खाने के लिए मिल रहा था, हमारे कम से कम रहने के लिए घर था, कम से कम जो है एक नौकरी थी मेरे लिए। कई बार हम और आप यही भूल जाते हैं, हमारे अस्तित्व क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है। हम और आप अस्थाई चीजों के पीछे इतना अपने जीवन को लगा देते हैं, हम भूल जाते हैं संसार थोड़े समय के लिए है, ये संसार थोड़े दिनों के लिए हमारे लिए है, और हम और आप इस संसार के कार्य के लिए, इस संसार की आशीषों के लिए, इन संसार की बातों के लिए इतना प्रयास करते रहते हैं, इतना मेहनत करते रहते हैं, अपने जीवन को ही पूरी तरीके से इसी के लिए त्याग देते हैं। किस लिए? एक अच्छा घर हो जाए, किस लिए? एक थोड़ा हमारे लिए बचाव रहने पाए, जिससे कि हमारे अगले पीढ़ी जो है अच्छी जीवन व्यतीत करने पाए। किस लिए? ताकि जो एक अच्छे जीवन गुजारने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं हमारे जीवन में होने पर। कई बार लोग ऐसे कहते हैं, ये जीवन किस लिए है? जो पेट परमेश्वर ने दिया है उसी के लिए है, ताकि इस पेट को पालने पाए। काफी हम और आप इस संसार की बातों में ही ज्यादा ध्यान रहते हैं, मुझे नाम कमाना है, लोगों के बीच में मेरा नाम रोशन होना है, इस लोगों के सामने, संसार के सामने एक अच्छे अहदे पर आना है, इस संसार में जो है एक अच्छे नाम मुझे कमाना है। इन्हीं बातों में हम ध्यान लगा लगा कर जो है हम भूल जाते हैं हमारे अस्तित्व क्या है। हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए परमेश्वर के संतान हैं। आमेन। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय हम देखते हैं 26वें पद में से कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। किस लिए बनाया? हमारी वास्तविकता क्या थी? हम परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर के रिश्ते में रहने के लिए ही हम बनाए गए, ना कि संसार की बातों की। इसलिए यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं, हम संसार में तो हैं मगर संसार के हैं नहीं। हम और आप हमारे जो है अस्तित्व, हमारी वास्तविकता को भूल जाते हैं। हमारी वास्तविकता क्या है?
हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के साथ के रिश्ते के लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए इस संसार में रहते हुए हम और आप उस रिश्ता को नहीं कायम रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उस संगति की ओर हम अपने ध्यान को लगाना है। हमारी वास्तविकता क्या है? हम और आप परमेश्वर जहां है वहां पे रहने वाले लोग हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना था, वहां तक हमारे जीवन पहुंचने के लिए हमें मेहनत करना था। इस पृथ्वी में जब तक हैं हमें एक ही विचार में रहना है, मैं इस पृथ्वी में तात्कालिक हूं, थोड़े समय के लिए हूं, मुझे जो है वो अनंत काल जीवन में जाना है जहां मैं अपने परमेश्वर के साथ लगातार रिश्ते में रहूंगा। इसराइलियों ने क्यों दुख उठाया? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को, अपने वास्तविकता को भूल गए कि वे यहां के नहीं हैं, यहीं पर वो रहने लग जाएं। ये थोड़े समय के लिए दिया हुआ परमेश्वर का प्रबंध है, मुझे वापस उस स्थान में जाना है जिस स्थान परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। तो सोच के देखिए, 7 साल के अकाल के बाद इसराइली अगर अपने होश में आते हैं, कहते हैं भाई ये तो हमारा जगह है नहीं, हम क्यों, मुझे क्यों यहां पर रहना है, हम वापस जाते हैं। हम इस दिल्ली शहर में जो है अपनी मातृदेह राज्य छोड़कर यहां पर आए हैं। 1992 में यहां पर आए थे। क्यों? क्योंकि मेरे पापा की नौकरी जो है निकल गई, उनकी व्यवसाय ठप हो चुका था, चारों तरफ कर्ज हो चुका था, बाहर वो जा नहीं पा रहे थे, अपनी के जो है चेहरा किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, घर की चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे करके, हमारे जीवन को संवारने के लिए हम यहाँ पर वापस आए दिल्ली शहर में। हमें लगा कि हम अपने मजबूरी की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं, हमें लगा क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए अब कोई सहारा नहीं है, हमारे लिए कोई जीने के लिए जो है कोई सहारा और स्रोत नहीं है। क्यों? चारों तरफ कर्जा है, चारों तरफ दुख है, परेशानी है, इसीलिए हम यहाँ पर वापस आए करके हमने सोचा। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है क्यों मैं यहाँ पर वापस आया। इस दिल्ली शहर में जन्म लिया, जब मैं 3 साल का था तो यहां से हम अपने राज्य वापस चले गए और वहां गए, 10 साल तक वहां पर रहे, सब चीजें ठीक चल रही थी, सब बातें अच्छी हो रही थी, बहुत पैसे कमाए पापा ने, हर चीज अच्छे तरीके से चल रहा था, अचानक हर चीज पलट गया, बहुत दुख उठाने लग गए, संबंधियों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। तो पापा ने सोचा कि हम वापस आएंगे, दिल्ली जाएंगे वापस। हम दिल्ली आए 92 में, जब हम दिल्ली में आए हमें लगा कि क्यों ही यहाँ पर हम आए हैं, हमें जानने वाला कोई नहीं है, हमें लग रहा था कि ऐसे अनाथ के समान यहाँ पर है। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि परमेश्वर क्यों हमें वापस यहाँ पर ले आया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में यही था कि आज आपके बीच में शहर में मैं प्रभु की स्वीकाई कर सकूं। प्रियजनों, कई बार जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई योजनाओं को, उस अस्तित्व को जब हम भूल जाते हैं तो हम दुख उठाने लग जाते हैं। इसराइलियों के जीवन में ऐसा ही हुआ। जरा अपने जीवन में सोच के देखिए, अपने अतीत में जाके देखिए कि क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की योजना को छोड़कर हम परमेश्वर की दी गई थोड़े समय की उस जो है बातों में संतुष्ट होकर वहीं पर रहने लगे हैं, जैसे इसराइलियों ने किया। अंतिम एक और बात मैं बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्यों इसराइलियों ने दुख उठाया, क्या वजह था इसराइली दुख उठाए? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को भूल चुके थे। मैं बार बार इन चीजों को बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन कहता है अपनी युवा समय पर अपने सृजनहार को स्मरण कर। हम और आप परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए लोग, हमें परमेश्वर की जो है बातों को याद करना है, सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। वचन में अगर देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाके फरौन से बोलो कि मेरे लोगों को स्वतंत्र करें, मेरे लोगों को आजाद करें, ताकि वे जाकर मेरी आराधना करने पाएं, मेरी सेवा करने पाएं। आज हम और आप परमेश्वर की दी गई
उस समय की प्रबंध के लिए जो हमारे जरूरत के लिए दिया गया था उसी में संतुष्ट हो गए, हमारे जरूरतों के समय पर दी गई आशीषों में तृप्त होकर उसी में स्थिर हो गए। हमें आशीष देने वाले यहोवा को भूल चुके हैं, हमें प्रबंध करने वाले, हमारे चलाने वाले यहोवा, हम पर ध्यान रखने वाला यहोवा को भूल चुके हैं। आज मैं यही चीज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, कि हम और आप हमारे इस परमेश्वर को कभी ना भूलें। हमें बनाने वाला, हमारे सृजनहार, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कभी ना भूलें। मगर याद रखिए, एक बहुत ही अद्भुत वायदा जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था, वचन कहता है कि परमेश्वर उनके कराहने को सुनकर उन पर चित लगाया। यही हमारा परमेश्वर है। शायद आप उसे भूल जाएं, शायद हम और आप हमारे परमेश्वर को स्मरण ना करें, मगर वो हमें कभी भूलता नहीं है। वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे जरूरत में आकर हमारे लिए कार्य करने वाला यहोवा वही है। हम वही चीज भजन संहिता 91 के 14 और 15 पद में देखते हैं कि उसने जो है मुझे जाना, इसलिए उसने मुझे पुकारा, तो मैंने उसे सुनकर उसके आपत्ति के समय पर मैं उसके लिए उसे छुड़ाने आऊंगा कर। वही यहोवा आज भी जिंदा है मेरे प्रियजन, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। इसलिए आप भी परमेश्वर को मत भूलिए, ध्यान रखिए, हम अपनी आशीषों में लुप्त ना हो जाएं, तृप्त ना हो जाएं, मगर आशीष देने वाले यहोवा को ही याद रखें, उसी की सेवा करते रहें। जितना वफादारी हम संसार के मालिक और स्वामी को के लिए दिखाते हैं, हम उतना ही वफादारी हमारे यहोवा के लिए दिखाएंगे। जितना हम संसार के लिए सेवा करने की प्रयास करते हैं, उससे बढ़कर हम परमेश्वर की सेवा करें, और जरूर परमेश्वर हमें स्मरण रखता है, हमारे चमत्कार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वक्त इस वचन को लेकर आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्षमा चाहते हैं खुदा कि हम अपने जीवन में आपकी आशीषों में तृप्त होकर उसी में हम खो चुके थे। आपको प्रभु याद करना, आपकी आराधना करना, सेवा करना हम भूल गए। एक और बार हमें क्षमा करिए, हम पर दया करिए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई दुख उठा रहे हैं, जो कोई परेशान है, जो कोई निराश है, ये वचन उन्हें प्रभु तसल्ली दें, याद दिलाएं कि आप उन्हें कभी भूलते नहीं हैं, उनके लिए चमत्कार करने के लिए आज भी सामर्थ्य हैं। प्रार्थना करता हूं खुदा कि हर एक के जीवन में बहुतायत से कार्य हो और महान कार्य उनके जीवन में होने पाए। और प्रार्थना करता हूं खुदावन कि कोई भी प्रभु परमेश्वर निराश ना होने पाए। इस विश्व महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र लहू की सामर्थ्य आए, ये जल्द से जल्द बदल जाए खुदा। फिर से एक बार पास सोलोमन किंग्स के लिए, परिवार के लिए और मम्मी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई की हाथ को बढ़ाइए, छू कर चंगाई दीजिए, सबको संभालिए राजा। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से पास्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक अच्छा अवसर उन्होंने दिया कि आज आपके बीच में प्रभु के वचन को ले आऊं, और प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने सुबह के समय में हमसे बात किया। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करके खुदा का धन्यवाद करें, और अपने आप को जैसे परमेश्वर के वचन ने हमसे बात किया, उसी के द्वारा अपने आप को हम समर्पण करें, ताकि परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष लेकर आए। मेरे प्रियो, आज हम सिर्फ वचन को सुनने वालों में से नहीं, उन वचनों को अपने जीवन में हम करके दिखाने वाले बने। क्यों ना इस समय में परमेश्वर को बोले, खुदावन सब मैं देता हूँ परमेश्वर, सब मैं देता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को परमेश्वर पूरी तरह मैं समर्पण करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सब मैं देता
समय में हम सब कुछ देते हैं परमेश्वर, ये परिस्थिति कैसा भी हो परमेश्वर, हम केवल आपके हैं परमेश्वर। हमारी सोच में, हमारे दिल में परमेश्वर सिर्फ आपके लिए पहला स्थान है परमेश्वर। हम सब कुछ इस सुबह के समय में देते हैं परमेश्वर, अपने परिवार को, अपने काम को परमेश्वर, अपने हर एक कार्य को परमेश्वर, हम आपको देते हैं परमेश्वर। हर एक चीज में आपकी अगुवाई होने पाए, हर एक चीज में आपका आशीष होने पाए परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर तेरे बिना, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर तेरे बिना। इस सुबह के समय में आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी महिमा, आपकी दया परमेश्वर इस समय में हम पर उतरने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितने लोग इस समय में समर्पण करें, मेरे प्रियो अगर आप समर्पण कर रहे हैं, वो खुदावन सामर्थ्य है कि वो आपको संभाले, वो खुदावन सामर्थ्य है कि वो आपके परिवार को संभाले। मेरे प्रियो तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ कि पास्टर राकेश इस समय में हमारे बीच में आके अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशीष पर चल लेंगे। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य हर एक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें जो इस समय पास्टर राजा ने जो भी आपको अनाउंसमेंट्स में बताया, ग्रुप प्रार्थना और भोर की प्रार्थना में सब लोग भाग लीजिए ताकि आपका पूरा दिन और पूरा हफ्ता एक आनंद के साथ गुजरने पाए। अपने आप को सुरक्षित रखिए और ध्यान से रहिए ताकि कोरोना जैसी बीमारी से आप सुरक्षित रहने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।